वेलकम बैक। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वेडिंग मस्ट हैव फ्रॉम Amazon शेयर करने वाली हूँ। ये सब चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल पहली बात, और दूसरी बात कि ये आपकी यू नो एक सिंपल सी ड्रेस को भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगी एंड एक बहुत ही अच्छी लुक क्रिएट कर देगी, ग्लैमराइज कर देगी आपकी इंटायर लुक को। बहुत ही अफोर्डेबल है एंड ये सब चीज़ों का आपको पता भी होगा बट आपने कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दी होगी। जैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है तो ये सब चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है। सब प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा इन केस अगर आपको वीडियो देखने के बाद परचेज करना हो। वीडियो अच्छी लगे मेक श्योर दैट यू हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विदाउट एनी मोर डिले लेट्स बिगिन विद दिस। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दिस इज अ कैन कैन स्कर्ट। ये आपकी एक नॉर्मल लहंगा को भी ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसका काम क्या है, जैसे आपने नॉर्मली अगर वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको पता ही होगा कैन कैन एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल, जाली का मटेरियल लगाया जाता है अंडरनीथ ऑफ लहंगा ताकि वो वॉल्यूमिनाइज हो जाए, उसका घेरा बन जाए। तो वैसे ही ये कैन कैन एक स्कर्ट आती है जहां पर आपको नेट का फैब्रिक कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ये अमेजोन पे आपको मिल जाएगी एंड डिफरेंट वेरिएंट्स में मिल जाएगी, और आपको कौन सी बाय करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि बेसिकली जो मैंने कैन कैन स्कर्ट बाय की है ये मैंने एक रिंग के साथ बाय की है। मोस्टली सभी कहते हैं कि रिंग के साथ नहीं बाय करना, बट ट्रस्ट मी ये रिंग ही है जो आपके इंटायर लहंगे के घेरे को वॉल्यूमिनाइज करता है कर लेगा। जैसे आप ट्रायल रूम देख रहे हो नीचे आपको ये नेट का फैब्रिक मिल जाएगा और नेट की मटेरियल काफी अच्छा स्टिफ रहने वाला नेट है। इसमें आपको कितनी लेयर मिल रही है, 1-2, ये आपको दो लेयर ऑफ ये नेट के फैब्रिक ही मिल जाएगी। और मिल जाएगी ये सिंथेटिक के फैब्रिक की लेयर जिसमें एकदम व्हाइट कलर, और इसके नीचे ये पूरी रिंग लगी हुई है। और ये रिंग कैसी है, थोड़ी ही गंदी है बिकॉज मैंने इसे बहुत बहुत बारी डाला है। ये इस तरीके की रिंग होती है जो हमें मिल जाएगी, इसमें इंसर्ट की गई, और इसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप बिफोर एंड आफ्टर इस वीडियो में देख सकते हो कि मैंने एक ही नहीं बल्कि जितने भी आप मेरे इंस्टाग्राम पर फोटोज वगैरह देखते हो लहंगा जो मैंने डाले होते हैं मैं सबके अंडरनीथ ये डालती हूँ। और अगर आप मार्केट में एक्स्ट्रा एक कैन कैन लगवानी चाहेगी एक लहंगे के लिए कम से कम 2500 में, कम से कम मैं आपको प्राइस बता रही हूँ 2500 लगेगी, और इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाली है हजार रुपए की जब तक आप चला सको। बहुत ज़्यादा काम आई है, आप इमेजेस में ही देख सकते हो। एंड मेरी फ्रेंड्स, मेरी कजन्स ने, उन्होंने सभी ने मेरे से लिंक लिए हैं और परचेज की है, सभी ने, ऑलमोस्ट मेरी सारी कजन्स ने एंड कुछ फ्रेंड्स ने परचेज करी है। बिकॉज ये इतना ग्लैमराइज कर देती है आपके आउटफिट को। ये मैंने वेस्ट पर डाली है ऑफकोर्स, ठीक है, आप लहंगे के साथ डाल सकते हो, आप किसी अपने कुर्ते के साथ डाल सकते हो, आप किसी अपनी स्कर्ट के साथ डाल सकते हो। जो लुक क्रिएट होके आएगी ना दैट इज अमेजिंग। इवन साड़ी के साथ डाल सकते हो। बाई द वे ये मेटल की पूरी बनी हुई है और मेटल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्टर्डी है। ये मैंने बहुत सारी और वेबसाइट्स पर भी देखी लाइक मीशो, फ्लिपकार्ट एंड ऑल, बट मुझे इनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार लगी क्योंकि वो सिर्फ कपड़े की बनी होती है एंड दैट इज नो वेयर लाइक ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। बहुत सारे पैटर्न्स भी अवेलेबल है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। जितना मैंने अमाउंट पे किया है उतना मुझे यू नो पे बैक हो गया है। एंड देन नेक्स्ट मस्ट हैव इज दिस ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप और स्ट्रैपलेस ब्रा। ये तो होनी ही चाहिए क्योंकि अक्सर हमें वेडिंग्स में कोई यू नो ऑफ शोल्डर या फिर नूडल स्ट्रैप वाली कोई टॉप, कुर्ती और या फिर लहंगे की चोली डालनी पड़ती है। सो देन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट ब्रास आर टोटली लाइफ सेवर। ये मैंने अमेजोन से खरीदी थी बाय द वे, मुझे 3 का पैक मिला था बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल में। एंड ये बेसिकली ट्यूब इन साइज में है। अगर आप ये वाली यू नो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप निकाल भी लेते बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी ऑन योर पर्स एंड एक नाइस यू नो कवरेज भी प्रोवाइड कर देगा एट द सेम टाइम। सो आप इस तरीके की ट्रांसपेरेंट ब्रास ट्राई कर सकते हो। आपने बहुत बारी मुझे देखा भी होगा, आप ये वाली इमेज देख सकते हो, मैंने इसमें भी ये वाली ब्रा यू नो डाली हुई है। इनफैक्ट आप पीछे से यू नो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाली ब्रास भी ट्राई कर सकते हो। ये मैंने काफ़ी टाइम से ले रखी है, मेरे पास ऑलरेडी पीछे से भी ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाली ब्रा थी बट वो थोड़ी सी खराब हो गई है, मेरी गलती की वजह से ही, मैंने जोर से खींच लिया था वो टूट गई। सो इसीलिए मैंने इस वीडियो में वो आपको नहीं बताई, बट आपको वो भी ऑप्शन मिल जाएगा तो आप वो भी ज़रूर ट्राई करना।
एंड नेक्स्ट मस्ट हैव इज दिस टमी टकर. और ये टमी टकर डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए क्योंकि हमने सूट तो डालना ही होता है एंड आपको पता है हम लड़कियों का सारा फैट बेली में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम बेली फैट बोलते हैं. तो सूट डालने के बाद ना पेट अगर बल्ज्ड हुआ हो, बाहर को निकला हो, वो बहुत ही अजीब लगता है. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी इस तरीके का टमी टकर तो आप ट्राई कर सकते हो, जाएगा जो आपके पेट को एक अच्छी कवरेज देगा एंड आपको जो ब्लॉटेड और वो जो थोड़ा सा टमी बाहर है वो नहीं आएगा. एनदर मस्ट हैव इज दिस शेड्स. आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है लहंगा के साथ, यू नो डे फंक्शंस में स्पेशली. आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, तो हमारे दिन में शादियाँ होती हैं तो तब यू नो दिस दूसरी बार ही टेक लिया है. सो ये वाले ये सन ग्लासेस बहुत ही ज़्यादा लाइफ सेवर होते हैं लहंगे के साथ. आहा, बड़े यार पटोला लगते हो आप, ठीक है? तो ये ज़रूर ट्राई करना शेड्स इस बारी और फैंसी लगोगे सब में. आई नो सभी को पता ही होगा, बट यू नो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करिए. अगर आपके दिमाग से निकल गया है थोड़े दिनों में शादी में जाना है और आपने यू नो सन ग्लासेस नहीं बाय करे हैं, तो आप बाय कर लो, ठीक है? अब बहुत सारे मिल जाएंगे ऑप्शन, क्योंकि सस्ते ऑप्शन भी है, महंगे ऑप्शन अगर आप ट्राई करना चाहते रे बैन के, यू नो दैट कॉस्ट है तो वेरी गुड. बट अगर आप थोड़ा सस्ता ऑप्शन ट्राई करना चाहते हो तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो. हाँ, सो हियर एंड्स माय वेडिंग मस्ट हैव वीडियो. छोटी सी थी और आई होप आपको जरूर पसंद आई. कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने कवर अप करी है जो आपको पता ही होगी शायद पहले से, या तो नहीं पता होगी तो आपको आज पता चल गया होगा. सभी प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल प्रूफ हुई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी, बिकॉज मेरा काम तभी सफल होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता. सो प्लीज़ आप बताइएगा जरूर, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी यही कमेंट सेक्शन पूछो या इंस्टाग्राम पर डीएम कर. दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे स्माइलिंग, बाय बाय, लव यू.